पेश है हिंदी ज़बान में अपडेट। भारत और भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों को कुचल रहा है। कश्मीरी पत्रकारों को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में सदैव बहुत अधिक दबाव में काम करना पड़ा है। कश्मीरी पत्रकारों को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से आतंक, भय तथा गिरफ्तारियों का सामना है। 5 अगस्त 2019 के पश्चात से पत्रकारों को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में बहुत अधिक भीषण छापों का सामना है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में पत्रकारों के विरुद्ध काले कानूनों का प्रयोग एक सामान्य चर्या का भाग बन चुका है। बहुत से पत्रकारों को स्वतंत्र रिपोर्टिंग के लिए काले कानूनों के अंतर्गत नजरबंदी का सामना है। सन 2020 में भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में लागू मीडिया पॉलिसी का लक्ष्य घाटी में प्रेस को दबाना है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को भारतीय सशस्त्र बलों की भीषण घेराव व खोज पड़ताल की कार्रवाइयों की कवरेज से रोका जाता है। मीडिया द्वारा घेराव व खोज पड़ताल की कार्रवाइयों के कवरेज पर प्रतिबंध। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए जा रहे भीषण मानव अधिकार उल्लंघनों की कवरेज से मीडिया को रोक रहा है। पत्रकारों पर प्रतिबंध। भारत चाहता है कि भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में केवल उसकी इच्छा के अनुसार घटनाओं को मीडिया में कवरेज दी जाए। कश्मीरी पत्रकारों को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में सच्चाई की रिपोर्टिंग का भारी मूल्य चुकाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में यथार्थताओं को छिपाने व तोड़ने मरोड़ने के लिए मीडिया पर अपनी पकड़ को और अधिक कठोर कर रहा है। मोदी शासन को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में यथार्थताओं को तोड़ने मरोड़ने के लिए दंडित किया जाना चाहिए।